ओ सॉरी, दो टाइप के कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं, एक होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक होता है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, सो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है कि जो एक्स और वाई के फॉर्म में कोऑर्डिनेट्स होते हैं उसको हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर कोई पॉइंट है जिसका कुछ एक्स कोऑर्डिनेट है और कुछ वाई कोऑर्डिनेट है उसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। वैसे ही एक पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है, इन दिस सिस्टम एनी पॉइंट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। नहीं, स्ट्रेट लाइन का ही कंटिन्यूएशन चल रहा है, फिनिश नहीं हुआ। एंड एंगल मेड बाय द लाइन ओपी विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग दो चीज डिनोट करते हैं, एक आर और एक थीटा। ठीक है, यहाँ पे आर क्या होता है, आर जो होता है वो होता है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ द गिवन पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, और थीटा जो होता है वो एंगल मेड बाय ओपी। ओपी का क्या मतलब है, लाइन जॉइनिंग द पॉइंट एंड द ओरिजिन विथ एक्स एक्सिस, विथ एक्स एक्सिस, और एंगल्स को रेडियंस में लिखते हैं, इन टर्म्स ऑफ रेडियंस। इन टर्म्स ऑफ व्हाट, रेडियंस। ठीक है, सो अब देखो इसको लिख लो एक बार, फिर अपने आगे बढ़ते हैं। लिख लिया, सर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करिए। देखो यहां से स्टार्ट है। ठीक है, अब देखो जैसे मान लो कि से अपना ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, और कोई पॉइंट पी है यहाँ पे, तो उस पॉइंट को
ओरिजिन से जब मैं ज्वाइन करूंगा, तो ये पॉइंट पी है, उस पॉइंट को अगर मैं ओरिजिन से ज्वाइन करूंगा तो ओ पी एक लेंथ आ रहा होगा, उस लेंथ को मैं आर कहूंगा। और ये जो ओ पी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा होगा उसको मैं थीटा कहूंगा। तो इस पॉइंट पी को हम लोग आर कॉमा थीटा से डिनोट करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट बात, कि आर कॉमा थीटा का ये मतलब नहीं कि उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट आर है और उस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट थीटा है। और का आर कॉमा थीटा पोलर वे में रिप्रेजेंटेशन है। फॉर एग्जांपल अगर कोई पॉइंट है, फॉर एग्जांपल इफ अ पॉइंट पी इज 2, π/3, इफ अ पॉइंट पी इज 2, π/3, इसका क्या मतलब हुआ होगा? इसका ये मतलब हुआ होगा कि ये वाला जो पॉइंट है वो हमारे ओरिजिन से 2 डिस्टेंस पे है और पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ π/3 एंगल बना रहा है। तो इस पॉइंट ये वाला जो पॉइंट है ये पी कहलाएगा। समझ में आया? तो ये जो इस फॉर्म में दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? कार्टेशियन फॉर्म, सॉरी, ये जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? पोलर फॉर्म। पोलर कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। इसी पॉइंट का 2, π/3। तो अब तुमको समझ में आ रहा होगा कि पोलर कोऑर्डिनेट को हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट कर सकते हैं एंड वाइस वर्सा। क्या इसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा वो बता सकते हो क्या? पॉइंट पी का एक्स और वाई कोऑर्डिनेट तो एक हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं। अगर ये जो है वो क्या हो जाता 2 cos π/3 और ये जो है क्या हो जाता 2 sin π/3। अच्छा, 2 cos π/3 मतलब 2 × ½ विच इज 1 और 2 sin π/3 मतलब √3। इट मीन्स कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ पी जो कि 2, 3 है इज पी 1, √3। ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है और ये पोलर कोऑर्डिनेट है उसी पॉइंट का। इतना समझ में आया? यस सर। वहां पे π/3 आएगा। हाँ, तो π/3 तो लिखा है ना? नहीं सर, वो पोलर कोऑर्डिनेट नीचे लिखा। ओ सॉरी सॉरी सर। चलो आगे बढ़ा जाए हम लोग। इतना सबने लिख लिया सर? चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं? कन्वर्जन देखने जा रहे हैं कि अगर पोलर कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे उस पॉइंट का।
और अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो पोलर कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे। तो पहला चीज सीखने जा रहे हैं कन्वर्जन ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट टू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट टू और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो जैसे मान लो कि किसी पॉइंट पी का पोलर कोऑर्डिनेट जो है वो है आर कॉमा थीटा, तो बताओ उसका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट अभी मैंने सिखाया क्या होगा? आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा। वेरी गुड, आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा, ये उसका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर पोलर कोऑर्डिनेट आर कॉमा थीटा है तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा हो जाएगा। अब कुछ जैसे बहुत सिंपल से क्वेश्चन आते हैं कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को, सॉरी पोलर को कार्टेशियन में कन्वर्ट कर दो, तो जैसे क्वेश्चन है कि कन्वर्ट पोलर कोऑर्डिनेट इनटू कार्टेशियन फॉर्म। पहला है बी कॉमा टू पाई बाय थ्री, दूसरा है फोर कॉमा माइनस पाई बाय फोर। चलो इसको करो, और तुमको लोकेट भी करना है ये पॉइंट कि ये पॉइंट कहाँ पे हो रहा होगा, ऑल्सो लोकेट दिस पॉइंट इन एक्स वाई प्लेन, इन कोऑर्डिनेट प्लेन में लोकेट भी करना। चलो हो गया, हाँ सर। सो लेट्स डू फर्स्ट पार्ट। तो थ्री है मतलब आर की वैल्यू थ्री है और थीटा की वैल्यू टू पाई बाय थ्री है, तो पहले तो ये पॉइंट दिखने में कहाँ हो रहा होगा? टू पाई बाय थ्री का क्या मतलब है? 120 डिग्री जाना, थ्री यूनिट्स, मतलब यहाँ पे कहीं हो रहा होगा ये वाला पॉइंट पी, ये वाला पॉइंट है। ठीक है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में पॉइंट होता,
तो इसका कोऑर्डिनेट क्या था? 3 cos 2π/3 कॉमा 3 sin 2π/3। अच्छा, cos 2π/3 कितना होता है? -1/2। और sin 2π/3 कितना होता है? √3/2, मतलब -3/2 कॉमा 3√3/2। ये पॉइंट पी का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट आ गया पहले वाले का। सेकेंड है 4 कॉमा -π/4, मतलब आर की वैल्यू 4 है और थीटा की वैल्यू -π/4 है। अच्छा, थीटा की वैल्यू -π/4 होने का क्या मतलब है? सर एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज नहीं, क्लॉकवाइज जा रहे होंगे एक्स एक्सिस पे। एंटी क्लॉकवाइज तो ऐसे जाते हैं ना, और वो पॉजिटिव एंगल मेजर होता है। हम लोग क्लॉकवाइज जा रहे होंगे 45 डिग्री। तो ये और आर की वैल्यू 4, मतलब इतना डिस्टेंस 4 हो रहा होगा। तो ये जो है यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में वो पॉइंट लोकेट हो रहा होगा। और हमारा क्वाड्रेंट क्या होता? 4 cos of -π/4 कॉमा 4 sin of -π/4। ठीक है। अच्छा, cos -π/4 मतलब 1/√2 एंड sin of -π/4 मतलब -1/√2। ठीक है, इसको चाहो तो तुम 2√2 भी लिख सकते हो उस फॉर्म में। तो ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हो गया उस पॉइंट का। ठीक है, इतना समझ में आ गया? इज इट फाइन? इतना क्लियर है तुम लोग को? यस सर। यस सर। चलो गुड। सो अब हम लोग आते हैं, अभी तो क्या सीखा? कार्टेशियन, सॉरी, पोलर कोऑर्डिनेट दिया हुआ था और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कैसे पहुंचेंगे वो सीखा। अब क्या सीखने जा रहे हैं? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट टू पोलर कोऑर्डिनेट, कि कार्टेशियन से पोलर में कैसे पहुंचेंगे। सो इसमें स्टेप्स क्या क्या है? व्हाट आर स्टेप्स विच वी नीड टू राइट कि कार्टेशियन से पोलर में कैसे पहुंचेंगे? देखो, जैसे मान लो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है किसी पॉइंट पी का, एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट। ठीक है, सो ये कोई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है उस पॉइंट पी का। तो स्टेप वन जो है सर, स्लोप निकाल सकते हैं, ओरिजिन से डिस्टेंस निकाल सकते हैं। हाँ, तो पहले क्या करो, ऊपर दिखाओ, ऊपर ऊपर कितना हो गया? तो हम लोग, हमारा एम क्या है? एम है टू फाइंड आर एंड थीटा, ये एम है हमारा। सर आर का अंडर रूट एक्स, हाँ सर, आर तो इनका स्क्वायर का अंडर रूट है, सम ऑफ स्क्वायर का। स्टेप वन, आर इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स नॉट स्क्वायर प्लस वाई नॉट स्क्वायर। ठीक है, ये स्टेप वन हो गया। तो आर का तो काम हो गया हमारा। अब बारी किसकी है? स्लोप विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ले लेंगे, ओरिजिन से स्लोप निकाल के थीटा निकल जाएगा उससे। हाँ, या तो हम ट्रायंगल ही बना सकते हैं ना, ट्रायंगल बना के थर्ड साइड निकाल के टैन थीटा निकाल देंगे। ट्रायंगल मत बनाओ, मैं बताता हूँ क्या करो। स्टेप टू में क्या करो कि पहले लोकेट करो पॉइंट
इन क्वाड्रेंट, कि किस क्वाड्रेंट में आ रहा है पॉइंट, ठीक है, वो वाला पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। हो सकता है फर्स्ट में आ रहा हो सकता है सेकंड में आ रहा हो सकता है थर्ड में आ रहा हो सकता है फोर्थ में आ रहा हो, फाइन। अब अगर अगर हमारा पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है तो ये उसके लिए लिख लो थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा लिख लो, सेकंड क्वाड्रेंट में लिख लो पाई माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में लिख लो पाई प्लस थीटा और फोर्थ क्वाड्रेंट में लिख लो टू पाई माइनस थीटा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे थीटा क्या होगा वो देखो, देखो एक्स नॉट जो होता है वो आर कॉस थीटा होता और वाई नॉट जो होता वो बाय द वे आर साइन थीटा होता, तो अब इससे क्या करो, ये ट्रायंगल क्रिएट करो जिसमें ये एंगल थीटा हो, ये एक्स नॉट हो और ये क्या हो वाई नॉट हो, उसके बाद टेन थीटा ऐसे लिख लो मॉड ऑफ वाई नॉट अपॉन एक्स नॉट, मॉड लिखा, ठीक है, टेन थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ वाई नॉट अपॉन एक्स नॉट। तो अगर तुम्हारा पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है तब जो थीटा की जगह लिखना है वो यही वाला थीटा लिखोगे, अगर पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है तो यहां से जो थीटा तुम्हारा ऑप्टेन हो रहा है उसका पाई माइनस थीटा कर देना तो वो इसकी पोजीशन लेगा। सिमिलरली अगर पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है तो सबसे पहले तो यहाँ पे कोई थीटा ऑप्टेन होगा, उसको यहाँ पे पुट कर देना पाई प्लस थीटा, वो इसकी पोजीशन लेगा। अगर पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है तो थीटा तो यहाँ से कुछ ऑप्टेन हो रहा होगा, उसको यहाँ पुट कर देना तो ये कोई वैल्यू आएगी, उसको यहाँ पे पुट कर देना तो वो एंगल हो जाएगा। इतना समझ में आया? तो क्या करना है ये याद रखना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा, सेकंड में पाई माइनस थीटा, थर्ड में पाई प्लस थीटा, फोर्थ में टू पाई माइनस थीटा। तो जैसे एक एग्जांपल शो करता हूँ मैं तुमको कि से अपना पॉइंट पी है माइनस थ्री कॉमा थ्री रूट थ्री, ठीक है, तो माइनस थ्री कॉमा थ्री रूट थ्री मतलब कहाँ पे होता, सेकेंड क्वाड्रेंट में होता, तो पहले तो आर निकालते, तो आर निकालना तो बहुत आसान है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब नाइन प्लस 27 कितना हो गया 6, ठीक है। उसके बाद tan थीटा निकालने के लिए मॉड ऑफ y नॉट बाय x नॉट करोगे, सो थ्री रूट थ्री अपॉन माइनस थ्री, अब क्योंकि मॉड है तो वो तो पॉजिटिव साइन ही देगा केवल, तो वो रूट थ्री आ गया, तो इससे थीटा की वैल्यू क्या आ गई पाई बाय थ्री। अब ये जो थीटा की वैल्यू है वो पाई बाय थ्री जो है वो आंसर नहीं है, हमारा जो एंगल होता क्योंकि ये पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में है तो सेकंड क्वाड्रेंट में है तो एंगल कौन सा होता पाई माइनस थीटा, मतलब पाई माइनस पाई बाय थ्री विच इज टू पाई बाय थ्री। सो हमारे पॉइंट पी का जो पोलर कोऑर्डिनेट होता 6, 2π/3, ये उस पॉइंट पी का क्या हो जाता पोलर कोऑर्डिनेट।
समझ में आया? यस यस सर। कैसे करना है तो याद रखना, ये थीटा, ये पाई माइनस थीटा, ये पाई प्लस थीटा और ये टू पाई माइनस थीटा। से थोड़ा ऊपर ले सकते हो क्या? चलो सो लेट्स डू फ्यू क्वेश्चंस। फाइंड पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ फॉलोइंग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। फाइंड पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ द फॉलोइंग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। तो जैसे पहला है -4, -4, दूसरा है -3, 0, तीसरा है 0, -2, फोर्थ है 5, -5√3।
एक चीज गलत लिख दी सी वाले पार्ट में, नहीं नहीं ठीक है, पॉइंट कोऑर्डिनेटर सर आप चार्ट्स देख सकते हो क्या? हाँ हाँ जो सेंड टू होस्ट हो रहा है, मतलब सेंड टू होस्ट ही होगा केवल आई थिंक। चलो तो बहुत लोगों ने आंसर दिए तो अब समय आ गया सॉल्व करने का। तो पहला है -4, -4। तो सबसे पहली बात की बताओ ये कौन से क्वाड्रेंट में लाइक करता? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट जैसे ही है तुरंत समझ जाना चाहिए कि मेरे को पाई प्लस थीटा यूज करना है। अच्छा आर की वैल्यू क्या होती? √4² + 4² मतलब √32, और √32 को अपने 4√2 भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद tan थीटा क्या होता? mod of y/x, तो 1 आ गया, मतलब उससे थीटा की वैल्यू π/4 आ गई। देयरफॉर हमारा जो एंगल होता वो क्या होता? π + थीटा जो कि 5π/4 होता, जो कि हमारा 5π/4 होता। तो जो हमारा पोलर कोऑर्डिनेट होता पहले पार्ट का वो होता 4√2, 5π/4। ये पहले पार्ट का आंसर है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू सेकंड पार्ट। द सेकंड पार्ट इज -3, 0। तो -3, 0 कैसा पॉइंट होता? वो कहीं यहाँ पे पॉइंट होता -3, 0। तो ये पॉइंट P होता, तो ये वाली जो लाइन होती वही लाइन OP होती, ये वाली जो होती, ठीक है। तो अब OP का एक्स एक्सिस से एंगल कितना बन रहा है? इस लाइन का एक्स एक्सिस से एंगल पाई बन रहा है ना, तो एंगल जो है वो तो पाई हो गया, एंगल इज व्हाट? पाई। और आर की वैल्यू क्या हो गई? क्योंकि ये पॉइंट -3, 0 था इसलिए आर की वैल्यू 3 हो गई, 3 डिस्टेंस पे। तो पोलर कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 3, π। सेकेंड पार्ट का पोलर कोऑर्डिनेट इज 3, π। थर्ड पार्ट है 0, -2। तो 0, -2 यहां पे होता, तो जैसे मान लो OP ये होता, तो ये वाली लाइन हो गई। तो इसका यहां से यहां तक कितना एंगल हो रहा होता? 3π/2 एंगल हो रहा होता, ठीक है। या ऐसे भी गिन सकते थे कि यहां से यहां, क्योंकि क्लॉकवाइज है तो -π/2 भी लिख सकते थे, दोनों एंगल लिख सकते थे तुम। अच्छा इसका डिस्टेंस कितना होता? डिस्टेंस ओरिजिन से 2 यूनिट्स होता। तो जो हमारा पोलर कोऑर्डिनेट होता वो या तो मैं लिख सकता था 2, 3π/2 या 2, -π/2। दिस इज द आंसर फॉर थर्ड पार्ट। समझ में आया सबको? यस सर। अब फोर्थ पार्ट जो है 5, -5√3। 5, -5√3 जो है वो कहाँ पे लाई करता? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में मैं 2π-θ लिखूंगा,
याद रख, पहले तो आर की वैल्यू, आर की वैल्यू आ गई रूट ऑफ 25 प्लस 75 जो कि 10 है। अच्छा 10 थीटा जो है वो क्या हो गया, मॉड ऑफ वाई नॉट बाय एक्स नॉट। मतलब थीटा की वैल्यू पाई बाय 3 आ गई, थीटा इज व्हाट पाई बाय 3, तो एंगल जो है वो हमारा क्या हो गया 2π - π/3। 2π - π/3 बोले तो 5π/3। तो द पोलर कोऑर्डिनेट विल बी 10, 2π/3। ये हमारा आंसर हुआ। ठीक है, इतना समझ में आया? यस सर। किसी को कोई डाउट अभी तक जो भी पढ़ा हम लोगों ने? सर एक मिनट थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कर सकते हैं थोड़ा? कौन से पार्ट में? हाँ सर बस हो गया लिखना। सर वो 10, π/3 होगा ना? चलो आगे बढ़ा जाए। अब हम लोग आ रहे हैं कार्टेशियन इक्वेशन टू पोलर इक्वेशन। कहाँ पे? कार्टेशियन इक्वेशन टू पोलर इक्वेशन, मतलब कोई इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में दिया हो, एक्स और वाई के फॉर्म में दिया हो, उसको आर और थीटा के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है। तो बहुत सिंपल सा है प्रोसीजर कि सब्स्टिट्यूट एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा इन द गिवन कार्टेशियन इक्वेशन टू ऑब्टेन what the polar equation. Substitute x is equal to r cos theta, y is equal to r sin theta in the given Cartesian equation to obtain polar equation. ठीक है, जैसे मान लो एक छोटा सा क्वेश्चन है कि x square minus y square is equal to 4. ठीक है, then write its polar equation. इसका polar equation लिखना है। हुआ?
यस गुड, तो कुछ नहीं करना, एक्स को आर कॉस थीटा पुट कर दो और वाई को आर साइन थीटा, एंड आई होप कि आर और थीटा की वैल्यू का तुमको वो पता है सिग्निफिकेंस कि आर क्या होता है और थीटा क्या होता है। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4, विच इम्प्लाइज आर स्क्वायर ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। अच्छा, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है कि वो कॉस 2 थीटा होता है, मतलब आर आर स्क्वायर कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 4। बस यहीं पे रुक गए हम लोग, तो यही हमारा क्या है, पोलर इक्वेशन है ऑफ द अबव कार्टेशियन इक्वेशन। ठीक है, दिस इज द पोलर इक्वेशन ऑफ द अबव कार्टेशियन इक्वेशन। समझ में आई बात? अब इसका उल्टा, जैसे अभी क्या सीखा, कार्टेशियन से पोलर में जाना सीखा, अब क्या सीखेंगे, पोलर से कार्टेशियन में आना। तो पोलर इक्वेशन टू कार्टेशियन इक्वेशन, पोलर इक्वेशन पता हो और हम लोग को कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड करना हो, ठीक है, तो वो हम लोग कैसे करेंगे, हाँ साइन में भी लिख सकते हैं, जैसे इसको तुम साइन में भी लिख सकते हो, पूरा साइन में लिख सकते हो, क्योंकि ये सिंप्लीफाई होके कॉस 2 थीटा आ रहा था तो वैसे ही रहने दिया हम लोग ने। अब देखो पोलर इक्वेशन का क्या मतलब है, कि ऐसा इक्वेशन होगा जो आर और थीटा में दिया होगा और उसको हम लोग को एक्स और वाई के टर्म्स में कन्वर्ट करना, तो एक ऐसा इक्वेशन होगा जो आर और थीटा में दिया होगा और उसको हम लोग को एक्स और वाई के टर्म्स में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो देखो आर और थीटा के टर्म्स पे देने का क्या मतलब है, आर और कॉस थीटा साइन थीटा के टर्म्स में दिया होगा, तो हम लोग को ये पता था कि x जो है वो r cos थीटा होता है और y जो है वो r sin थीटा होता है। तो पहले मैं r को किससे रिप्लेस करता वो देखता हूँ, तो दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दो, x square plus y square is equal to r square और एडिंग कर दो, इसका मतलब r की वैल्यू क्या हो गई, रूट ऑफ x square plus y square, r की वैल्यू क्या हो गई, रूट ऑफ x square plus y square। तो जहां जहां इक्वेशन में तुमको r दिखे ओवर देयर व्हाट यू नीड टू सब्स्टिट्यूट इट बाय रूट ऑफ x square plus y square, ठीक है। अच्छा, अब अगर तुमको जहां पे cos थीटा दिखे तो cos थीटा तो क्या हो गया, x by r हो गया और r हम लोग को ऑलरेडी पता है, तो cos थीटा को किससे सब्स्टिट्यूट करोगे, x बाय रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, cos थीटा को उससे सब्स्टिट्यूट करोगे। सिमिलरली sin थीटा को किससे सब्स्टिट्यूट करोगे, y बाय रूट x, यहां से y बाय रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, साइन थीटा को इससे सब्स्टिट्यूट करेंगे अपने। नहीं, बात समझ में आई, तो
पोलर इक्वेशन में क्या हुआ होगा? पोलर इक्वेशन में एक ऐसा इक्वेशन होगा जिसमें आर के टर्म्स होंगे, कॉस थीटा के टर्म्स होंगे, साइन थीटा के टर्म्स होंगे। तो आर को हम लोग रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से सब्स्टिट्यूट कर देंगे, कॉस थीटा को एक्स बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और साइन थीटा को वाई बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, कभी कभी ऐसा होगा कि तुमको अपने एक्सप्रेशन में आर इंटू कॉस थीटा एक साथ मल्टीप्लाई होते हुए दिख रहे होंगे। जो अपना पोलर इक्वेशन है उसमें आर इंटू कॉस थीटा एक साथ मल्टीप्लाई होते हुए दिख रहे होंगे, तो उसको डायरेक्टली एक्स से रिप्लेस कर देना। सिमिलरली कहीं कहीं तुमको आर इंटू साइन थीटा डायरेक्टली मल्टीप्लाई होते हुए दिख रहे होंगे, तो उसको वाई से डायरेक्टली रिप्लेस कर देना। समझ में आया? अब जैसे से क्वेश्चन हमारा है, आर इज इक्वल टू कोसेक थीटा इंटू ई रेस टू आर कॉस थीटा। ये कोई एक पोलर इक्वेशन है। ये क्या है? एक पोलर इक्वेशन है। तो हम लोग को क्या करना है? राइट इट्स सर, ये जो आर है वो मतलब कोई वेरिएबल है कि सेम आर है? वो सेम आर है, वही डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है। मैंने पोलर इक्वेशन लिख दिया ना, ये एक पोलर इक्वेशन है। तो पोलर इक्वेशन का क्या मतलब है? कि आर मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन किसी पॉइंट पी का, और थीटा मतलब ओ पी का एक्स एक्सिस के साथ एंगल। तो इसका कार्टेशियन इक्वेशन तुमको लिखना है। यस, गुड। बहुत अच्छा। तो अपने क्या करते कि कोसेक थीटा को वन अपॉन साइन थीटा लिख लेते और उसको इधर ला देते, आर साइन थीटा इज इक्वल टू ई रेस टू कॉस थीटा। अब जैसे ही आर साइन थीटा दिखा उसको वाई लिख लिया, ई रेस टू कॉस थीटा दिखा, सॉरी आर कॉस थीटा दिखा उसको एक्स लिख लिया। तो वाई इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स, यही हमारा आंसर हो गया। ये किसका इक्वेशन हो गया? हमारा कार्टेशियन इक्वेशन। इट इज व्हाट? कार्टेशियन इक्वेशन फॉर अस। ठीक है। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है कि लेट अ कर्व एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। एक कर्व का ये इक्वेशन है। देन फाइंड the maximum distance
ऑफ एनी पॉइंट ऑन द कर्व फ्रॉम ओरिजिन. Can find the maximum distance of any point on the curve from origin. इसके
की वैल्यू थीटा के टर्म्स में नहीं आएगी, कोई नंबर आएगा। देखो एक्चुअल में क्या हो रहा होगा कि मान लो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है हमारा और से ये कोई कर्व है, ऐसे टाइप का कोई कर्व है जिसका इक्वेशन ये है। तो अब इसके ऊपर अगर तुम सारे पॉइंट्स लो तो सारे पॉइंट्स का जो ओरिजिन से डिस्टेंस है वो अलग अलग आएगा। उसमें से एक डिस्टेंस ऐसा होगा जो सबसे छोटा डिस्टेंस होगा, जैसे मान लो ये वो इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग होगा जो सबसे स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होगा। तो हम लोग को ये वाला डिस्टेंस निकालना है जो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है, ठीक है। सो अब देखो जैसे ही क्वेश्चन में आ गया कि डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन, डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑन द कर्व फ्रॉम द ओरिजिन, तो हमको तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि इस क्वेश्चन को हम लोग को पोलर इक्वेशन में कन्वर्ट करके सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑन द कर्व फ्रॉम द ओरिजिन कौन बताता है बताओ? आर, आर ही को तो डिनोट करते हैं ना आर, ठीक है। तो मैंने पहले तो ये तो कार्टेशियन इक्वेशन लिखा है, इसका पोलर इक्वेशन लिखने के लिए फॉर राइटिंग पोलर इक्वेशन आई विल राइट एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड वाई इज इक्वल टू व्हाट आर साइन थीटा। इसको मैंने यहां पे पुट किया तो देखो क्या बनेगा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2xy, मतलब 2r square sin theta into cos theta minus 1 is equal to 0. अच्छा अगर मैं इस 1 को उधर लेके चला जाऊं और इन तीनों में से r square common ले लूं, तो r square cos square plus 2 sin square प्लस टू साइन इंटू कॉस इज इक्वल टू 1। तो इससे आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, अच्छा कॉस स्क्वायर प्लस टू साइन स्क्वायर है, इसमें से क्या करेंगे कि हम लोग एक साइन स्क्वायर अलग कर देंगे ताकि वो कॉस स्क्वायर के साथ मिलके 1 हो जाए। तो दिस विल बिकम 1 अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर, इसकी मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं ना, हाँ, प्लस साइन 2 थीटा प्लस साइन 2 थीटा। अच्छा ठीक है, अब उसके बाद हम लोग को थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री यूज करने की जरूरत है कि जैसे a cos थीटा प्लस b sin थीटा ये जो है कहां से कहां तक वेरी करता है, माइनस रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से लेके प्लस रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तक, समझ में आ रहा है। हम लोग को आर स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, वी वॉन्ट टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर, मतलब हम लोग को एक तरीके से डिनोमिनेटर की मिनिमम वैल्यू निकालनी चाहिए। आर स्क्वायर मैक्सिमम के लिए डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। अब डिनोमिनेटर मिनिमम क्या होगा देखा जाए, हम लोग तो डिनोमिनेटर जो है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, वन प्लस साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, वन माइनस कॉस टू थीटा बाय टू प्लस साइन टू थीटा, ताकि ये लोग सेम एंगल में आ जाए, समझ में आ रहा है सबको। तो
दिस विल बिकम 1 बाय 2 तो बाहर आ गया, 2 प्लस 1 3 प्लस 2 साइन 2 थीटा माइनस कॉस 2 थीटा, ऐसा हो गया। अब हम लोग को डिनोमिनेटर क्या चाहिए, मिनिमम बनाना है। इसका मतलब इस चीज की मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए। अब इस चीज की मिनिमम वैल्यू क्या होती, माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब माइनस रूट ऑफ टू स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर विच इज माइनस रूट फाइव। समझ में आया? सो मिनिमम डिनोमिनेटर जो होता वो क्या हो जाता, 1/2 3 माइनस रूट फाइव। बोलो बच्चों, इतना स्टेप्स क्लियर है तुम लोग को? यस। तो हम लोग को तो क्या चाहिए, अब आर स्क्वायर के पास पहुंचते हैं, क्योंकि एम तो आर आर का था ना, तो आर स्क्वायर मैक्सिमम दैट विल बी 1/ मिनिमम डिनोमिनेटर। मतलब 2/3 माइनस रूट फाइव। अच्छा, इसको जो है हम लोग क्या 2 से ऊपर नीचे अगर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या ये ऐसे बन जाएगा क्या, 4/6 माइनस 2√5। और इसको हम लोग 2/√5 माइनस 1 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, आर स्क्वायर मैक्सिमम। अब आर स्क्वायर मैक्सिमम ये आ गया, मतलब एक तरीके से आर मैक्सिमम कितना आ गया, 2/√5 माइनस 1, और यही हम लोग को चाहिए था। तो ये चीजें क्लियर है तुम लोग को? यस सर। यस, वेदांत का सही आया 2/1 माइनस रूट फाइव। वन नहीं, वन माइनस रूट फाइव नहीं, रूट फाइव माइनस वन। इसमें किसी को डाउट, स्टूडेंट्स? Anyone having any sort of doubt? Bolo. No. Okay. So ye tha hamara, this was all about polar coordinates. So ab dekho, फिर से बताऊं, एक बार वापस से बताऊं। देखो, ये कर्व था तो हम लोग ने सबसे पहले क्या किया, इसका पोलर इक्वेशन लिख लिया। तो एक्स की जगह आर कॉस थीटा और वाई की जगह आर साइन थीटा पुट कर दिया, तो उससे ऐसे टाइप की चीज बन गई, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन 2 थीटा, ये चीज बन गई तुम्हारी। ठीक है, अब क्या हुआ कि हम लोग को आर स्क्वायर मैक्सिमम फाइंड करना था, इसका मतलब डिनोमिनेटर को मिनिमम होना चाहिए था। हम लोग क्या चाहेंगे कि डिनोमिनेटर जितना छोटा हो सके उतना छोटा लेंगे। तो अब मेरा पूरा फोकस डिनोमिनेटर पे आ गया, मैंने डिनोमिनेटर लिखा, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2 लिख लिया और साइन 2 थीटा को वैसे ही रहने दिया। तो फिर 2 एलसीएम लेने के बाद ऐसा बन गया 3 प्लस 2 साइन 2 थीटा माइनस कॉस 2 थीटा। अब
ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, इसकी मिनिमम वैल्यू जो है वो माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होती है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू। अब हम लोग को ये मिनिमम चाहिए, ये वाली चीज मिनिमम चाहिए, थ्री तो कुछ नहीं कर सकता, थ्री तो बस ऐड हो सकता है, मैक्सिमम मिनिमम थोड़े बना सकता है, इसका मतलब मेरे को ये वाली चीज मिनिमम चाहिए। अब इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती, माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा, तो इसकी मिनिमम वैल्यू विल बी माइनस रूट फाइव, तो वो माइनस रूट फाइव मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी, तो मिनिमम डिनोमिनेटर क्या आ गया, वन बाय टू थ्री माइनस रूट फाइव। अब इसी मिनिमम डिनोमिनेटर को आर स्क्वायर में सब्स्टिट्यूट किया, तो आर स्क्वायर मैक्सिमम क्या हो गया, वन होल अपॉन मिनिमम डिनोमिनेटर लिख लिया, वन बाय टू थ्री माइनस रूट फाइव, मतलब टू होल अपॉन थ्री माइनस रूट फाइव। उसके बाद ऊपर और नीचे टू से मल्टीप्लाई कर दिया, ताकि वो एक परफेक्ट स्क्वायर क्रिएट करने की कोशिश की मैंने, इधर फोर बन गया, इधर सिक्स माइनस टू रूट फाइव बन गया। अब सिक्स माइनस टू रूट फाइव को हम लोग रूट फाइव माइनस वन का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, देखो इसको एक्सपैंड करो ये बनेगा, और फोर को टू का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, मतलब ये ओवरऑल होल स्क्वायर आ गया। तो आर स्क्वायर मैक्सिमम वैल्यू ये है, तो आर की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, टू होल अपॉन रूट फाइव माइनस वन। और हम लोग को वही चाहिए थी कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन। सो अब पोलर कोऑर्डिनेट्स रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आएंगे, ऐसे टाइप के आएंगे, अगर आने होंगे तो वो क्वेश्चन नहीं होंगे कि भाई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दिया उसको पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करो या वाइस वर्सा, वो तो बहुत ही सिंपल टाइप की चीज हो जाएगी ना। अच्छा चलो, पोलर कोऑर्डिनेट वगैरह खत्म हो गया, अब बस एक नोट पढ़ लेते हैं, नोट छोटा सा। ए बी सी पॉइंट्स है, ठीक है, ए का कोऑर्डिनेट से एक्स वन वाई वन है, बी का कोऑर्डिनेट से एक्स टू वाई टू है, और सी का कोऑर्डिनेट से एक्स थ्री वाई थ्री है, ठीक है, और पॉइंट पी है, जिसका कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई है। तो इफ पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर इज टू बी मिनिमम, इफ पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर इज टू बी मिनिमम, देन प्रूव दैट P will be centroid of triangle ABC if PA square plus PB square plus PC square is to be minimum, then prove that, क्या प्रूव करना है, P will be centroid of triangle ABC।
ओके तो करते हैं इसको, टाइम खत्म हो रहा है अपना, तो लेट्स डू इट। तो पी ए स्क्वायर मतलब ये वाला डिस्टेंस का होल स्क्वायर, तो पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर। पी ए स्क्वायर हम लोग कैसे लिखते हैं, एक्स माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। पी बी स्क्वायर कैसे लिखते हैं, एक्स माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई टू का होल स्क्वायर। और पी सी स्क्वायर कैसे लिखते हैं हम लोग, एक्स माइनस एक्स थ्री का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई थ्री का होल स्क्वायर। तो अब इसको अगर तुम एक्सपेंड करोगे तो देखो एक्स स्क्वायर यहां से भी आएगा और यहां से भी आएगा, तो थ्री एक्स स्क्वायर बन जाएगा। अच्छा ऐसे ही वाई स्क्वायर यहां से भी आएगा और यहां से भी आएगा, तो वो क्या बन जाएगा, थ्री वाई स्क्वायर। उसके बाद क्या होता, माइनस टू एक्स एक्स वन माइनस टू एक्स एक्स टू माइनस टू एक्स एक्स थ्री, ऐसे ही माइनस टू वाई वाई वन माइनस टू वाई वाई टू माइनस टू वाई वाई थ्री प्लस एक्स वन स्क्वायर प्लस एक्स टू स्क्वायर प्लस एक्स थ्री स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर प्लस वाई टू स्क्वायर प्लस वाई थ्री स्क्वायर। बताओ ये आएगा पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर, ऐसे टाइप का एक्सप्रेशन, जल्दी से बताओ। हाँ सर। यस सर। इतना आ गया। अच्छा अगर मैंने ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट फिक्स कर दिए, मतलब मैंने ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू एक्स थ्री वाई थ्री लिखा, मतलब इनकी फिक्स्ड वैल्यू हो गई, इसका मतलब कि एक्स वन स्क्वायर प्लस एक्स टू स्क्वायर प्लस एक्स थ्री स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर प्लस वाई टू स्क्वायर प्लस वाई थ्री स्क्वायर, ये सब कुछ मिला के कुछ कॉन्स्टेंट टाइप का हो रहा होगा इन सब का सम, ये चेंज हो सकता है क्या? नो सर। नो सर। अगर मैंने ट्राइंगल को फिक्स कर दिया तो ये चेंज हो सकता है? नहीं हो सकता। चेंज किसके वजह से आता, चेंज इन सब की वजह से आता। जैसे मान लो मैं पी को वेरी करता, अगर ट्राइंगल के अंदर पी को अगर मैं ट्राइंगल के अंदर वेरी करता यहाँ 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 यहाँ, तो एक्स चेंज हो जाता, वाई चेंज हो जाता, एक्स इंटू एक्स वन चेंज हो जाता, एक्स इंटू एक्स टू चेंज हो जाता, एक्स इंटू एक्स थ्री चेंज हो जाता, वाई इंटू वाई वन चेंज हो जाता, वाई इंटू वाई टू चेंज हो जाता, वाई इंटू वाई थ्री चेंज हो जाता, ठीक है? ओके अब क्या करो, यहां से लेके यहां तक में थ्री कॉमन ले लो। तो थ्री कॉमन लेने पे क्या आता, एक्स स्क्वायर, अच्छा प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू बाय थ्री एक्स एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री माइनस टू बाय थ्री वाई वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री। ये तो हो गया ऐसा, प्लस इन सब की जगह कोई कांस्टेंट सी लिख दिया था हम लोगों ने, बार बार उसको नहीं लिखेंगे हम लोग, ठीक है? अब इधर देखो, अगर मैं, इतना समझ में आया, अगर मैं इन दोनों को यूज करके कंप्लीटिंग द स्क्वायर करूं, तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मैं कैसे करता, एक्स माइनस वन बाय थ्री एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री इसका होल स्क्वायर
माइनस ऑफ एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री अपॉन थ्री का होल स्क्वायर। ये समझ में आया? जैसे एक्स स्क्वायर माइनस टू ए एक्स, इसका कंप्लीटिंग द स्क्वायर हम लोग कैसे करते थे? एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बोलो स्टूडेंट्स। यस सर। ओके, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, ये वाली चीज को स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है। सिमिलरली अगर मैं इनका कंप्लीटिंग द स्क्वायर करता तो वो क्या बनता? वाई माइनस वन बाय थ्री वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री का होल स्क्वायर माइनस ऑफ वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री अपॉन थ्री का होल स्क्वायर। ये तो ये वाला ब्रैकेट आ गया और इधर वाले ब्रैकेट से प्लस सी वाप वही आ जा रहा है। अच्छा, इस बात से अग्री करोगे क्या कि ये वाली चीज और ये वाली चीज ये भी एक कांस्टेंट चीज ही होगी, क्योंकि x1 x2 x3 है, y1 y2 y3 है, वो तो फिक्स ही है, वो वेरी करेगी क्या? नो सर। नो सर। नहीं। तो क्या मैं इन दोनों को इस c के साथ इंक्लूड करके कोई c नॉट टाइप का लिख सकता हूँ? यस सर। तो अब देखो हमारा काम बस ऑलमोस्ट डन है। थ्री टाइम्स x माइनस ऑफ एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री अपॉन थ्री, इसका होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री अपॉन थ्री, इसका होल स्क्वायर प्लस सम सी नॉट, जो कि ऑलवेज कांस्टेंट है। अब मेरे को इस एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करना है, ठीक है? तो इस एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करने के लिए मैं ये एंश्योर करूंगा कि ये जो होल स्क्वायर वाले टर्म्स हैं खुद जीरो जीरो हो जाए, होल स्क्वायर के अंदर वाले टर्म्स, इसकी मिनिमम वैल्यू अगर निकालनी है, समझे बात? यस सर। सो अगर मैं इसको जीरो के इक्वेट कर देता एंड सिमिलरली इसको भी मैं जीरो के इक्वेट कर देता, फॉर व्हाट? फॉर मिनिमम वैल्यू। देन एक्स विल बी इक्वल टू एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री बाय थ्री एंड वाई विल बी इक्वल टू वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री बाय थ्री। और ये जो पॉइंट्स होते हैं ये किसके पॉइंट्स होते हैं? सेंट्रोइड का एक्स और वाई कोऑर्डिनेट। सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स। देयरफॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ पी विल बी सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल एबीसी। ठीक है, तो पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर को मिनिमम होने के लिए पी को क्या होना पड़ेगा? सेंट्रॉइड होना पड़ेगा उस ट्राइंगल का, ऑफ दैट ट्राइंगल। तो इस रिजल्ट को याद रखा, कभी कभी क्या हो जाएगा कि डायरेक्टली कुछ क्वेश्चंस में तुमको यूज आ जाएगा। ठीक है, अच्छा एक इतना क्लियर है, एक बार जल्दी से बताओ बच्चों। यस सर। यस सर। एक और रिजल्ट को याद रखो, रिजल्ट टू को, उस
उसका मैं प्रूफ नहीं कराऊंगा, उसका प्रूफ थोड़ा लंबा होता है, उसका प्रूफ जो है वो ज्योमेट्री से होता है। तो उसका प्रूफ ये होता है, जैसे मान लो ए बी सी एक पॉइंट है और हम लोग को अब क्या चाहिए कि पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी मिनिमम चाहिए। इससे पहले क्या होता था, पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर मिनिमम होता था, अब हम लोग को पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी मिनिमम चाहिए। तो वो इनसेंटर होगा? नहीं नहीं, इनसेंटर नहीं होगा, वो एक अलग ही पॉइंट होता है। उस पॉइंट को पता है क्या कहते हैं, उस पॉइंट को हम लोग फर्मेट पॉइंट कहते हैं। ठीक है, इसकी खासियत क्या होती है कि इसका जो है तीनों क्या कहते हैं, सबसे एंगल जो है ना वो 120, 120 और 120 डिग्री बनता है। ठीक है, तो पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी मिनिमम के लिए पी को कौन सा पॉइंट होना चाहिए था? फॉर्मेट पॉइंट होना चाहिए था। और उस फॉर्मेट पॉइंट की स्पेशलिटी क्या होती है कि उससे तीनों वर्टेक्स से जॉइंट किया तो उनके बीच में जो एंगल होगा वो हमेशा आपस टोटल हमेशा 120 120 120 होगा। ठीक है, और ये फॉर्मेट पॉइंट ऑप्टेन कैसे किया जाता है किसी ट्राइंगल के लिए वो भी बता देता हूँ कि कैसे इस पॉइंट को हम लोग ऑप्टेन कर सकते हैं ज्योमेट्रिकली। ज्योमेट्रिकली अगर मेरे को इस पॉइंट को ऑप्टेन करना है फॉर्मेट पॉइंट को, तो अपने को क्या करना होगा, जैसे मान लो ए बी सी ट्राइंगल है हमारा, तो क्या करो कि ए बी को एक साइड मान के एक इक्विलैटरल ट्राइंगल ड्रॉ कर दो। ठीक है, ऐसे ही ए सी को एक साइड मान के एक दूसरा इक्विलैटरल ट्राइंगल ड्रॉ कर दो। और ग्रीन कलर यूज, ग्रीन को ऑलरेडी यूज कर, ये बी सी को साइड मान के एक तीसरा इक्विलैटरल ट्राइंगल ड्रॉ कर दो ऐसे। ठीक है, तो जैसे मान लो इसको मैंने सी डैश बोल दिया, इसको मैंने ए डैश बोल दिया, इसको मैंने बी डैश बोल दिया। इतना समझ में आया? अब क्या करो, व्हाट यू नीड टू डू इज कि बी को बी डैश से ज्वाइन कर दो। ऐसे ही सी को सी डैश से ज्वाइन कर दो और ए को ए डैश से ज्वाइन कर दो। तो ये जो पॉइंट आता है, यही पॉइंट पी, यही जो होता है वो क्या होता है, फर्मेट पॉइंट होता है। ठीक है, आई बात समझ में? यस सर। तो ऐसे फॉर्मेट पॉइंट ज्योमेट्रिकली ऑप्टेन कर सकते हैं। अपने को तो बस क्या याद रखना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कि पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी मिनिमम होने के लिए पी को एक ऐसा पॉइंट होना पड़ेगा जो जिससे सारे एंगल्स आपस में बी पी सी या बी पी ए या सी पी ए सब 120 120 120 डिग्री बन रहे। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएंगे इससे रिलेटेड, ये प्रॉपर्टी दे देगा और पूछेगा कि पी ए पी इज अ पॉइंट इनसाइड द ट्राइंगल सच दैट पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी इज मिनिमम, देन फाइंड द एंगल ए पी बी, एंगल ए पी बी क्या होगा ये फाइंड करके बताओ, तो क्या हो जाएगा 120 डिग्री।
ठीक है। सो समझ में आ गया, पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर के लिए पी को क्या होना चाहिए? सेंट्रॉइड। पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर मिनिमम होने के लिए, और पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी मिनिमम होने के लिए पी को क्या होना चाहिए? फर्मेट पॉइंट। और ये फर्मेट पॉइंट इन सेंटर वगैरह नहीं है, ऐसा नहीं कि तुम सोचो कि ये इन सेंटर या ऑर्थो सेंटर या कुछ है, ये अलग ही पॉइंट है। चलो तो एंड किया जाए लेक्चर अब। सो तुम लोग का होमवर्क पे ग्रुप पे पोस्ट कर दूंगा कि क्या क्या करना है, ठीक है। तो आज जो भी डिस्कस किया वो क्लियर है? यस सर। हाँ सर। तो लीव कर रहा हूँ मैं, गुड बाय।